नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय रैलियों का दौर जारी है। तमाम रैलियाँ हो रही हैं, जनसभाएँ हो रही हैं, चुनाव प्रचार चरम पर है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल आ चुका है, सर्वे आ चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में कोई भी चुनाव होता है, चाहे क्रिकेट मैच होता है, चाहे कोई चुनाव होता है, चाहे कोई अन्य बातें होती हैं, सट्टा का मामला ज़्यादा आता है। फलोदी सट्टा बाजार होता है, मुंबई सट्टा बाजार होता है, कोलकाता सट्टा बाजार, लखनऊ सट्टा बाजार, कानपुर सट्टा बाजार, अलग अलग सट्टा बाजारों में सट्टे लगते हैं। तो अब सट्टा बाजार क्या कह रहा है हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव को लेकर? सट्टा बाजार में भाव होता है। सट्टा बाजार जो होता है उसमें जिसका भाव कम होता है उसको ज़्यादा माना जाता है। उल्टा चलता है सट्टा बाजार। अगर कांग्रेस का भाव कम है तो कांग्रेस की सरकार बन रही होगी, बीजेपी का भाव कम है तो बीजेपी की सरकार बन रही होगी। जिसका भाव ज़्यादा होता है उसकी सरकार नहीं बनती है सट्टा बाजार के नियमों के मुताबिक, आप सब जानते हैं। तो सट्टा बाजार हरियाणा के लिए क्या कहता है, सट्टा बाजार कितनी सीटें दे रहा है, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। सट्टा बाजार में कांग्रेस को एक रुपए में 10 पैसा मिल रहा है। कितना? 1 रुपए में 10 पैसा मिल रहा है। और बीजेपी को 1 रुपए में 90 पैसा मिल रहा है। यानी कि कांग्रेस का भाव सट्टा बाजार में कम है, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है। वैसे भी आप सबको पता है लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था। 5 सीटों पर कांग्रेस जीती है, 5 सीटों पर बीजेपी जीती है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ क्या कहता है फलोदी सट्टा बाजार का आंकड़ा, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वैसे हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, बहुमत लाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 46 सीटें। 46 सीटों में यहां पर कांग्रेस पार्टी को 56 से 58 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है सट्टा बाजार के मुताबिक कि 56 से 58 का मतलब 46 से ज़्यादा यहां पर सीटें मिल रही हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है साफ साफ। और यहां पर अगर आप वोट आप परसेंटेज की बात करें तो किसको कितना परसेंट, कांग्रेस को 46 से 48% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके सामने है, जो कि अभी विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। हरियाणा में कुल मिलाकर के बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, 20 से 29 सीटें बीजेपी को यहां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की हालत पस्त है। पिछली बार 2024 के पहले 2019 में जब चुनाव हुआ था तब भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, 41 सीटें आई थी, जेजेपी की मदद से उन्होंने सरकार बनाई। और यहाँ पर हरियाणा में अदर को कितनी सीटें मिल रही हैं, अदर में आप सोचिएगा जेजेपी है, आज़ाद समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है। उधर आप देखेंगे मायावती का गठबंधन है और इनलो का गठबंधन है, कुछ निर्दलीय हैं। तो कुल मिलाकर के 3 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो विपक्ष का वोट है अब की बार बट नहीं रहा है, विपक्ष का वोट विपक्ष को मिल रहा है और बीजेपी का वोट बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी परेशान है, बीजेपी यहाँ पर दुख में है, दर्द में है। और जो भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, अधिकतर ओपिनियन पोल में आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है हरियाणा में, 56 से 58 सीटों पर। ये रहा आपका सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल। आपकी क्या राय है आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।